जंगल में वेस्टर्न ट्रैगोपैन को देखने के बाद मैं इस पक्षी को लेकर काफ़ी उत्साहित था। एक ऐसे पक्षी को जंगल में देखना जो अभी तक सिर्फ कुछ गिने चुने फोटोग्राफ्स तक ही सीमित था, सच में काफ़ी प्रेरित करने वाला था। मेरा नाम विनय है। इससे पहले भी मैं आपसे ट्रैगोपैन पर बनाए अपने वीडियो के साथ मिल चुका हूँ। मैं अब ट्रैगोपैन के बारे में और अधिक जानना चाहता था। इसके लिए मैंने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के सेंज घाटी के इस इलाके में कुछ और टूर प्लान किए। मैं और खेमराज एक बार फिर से जंगल में इसे फिल्माने के लिए पहुँच गए। ये जगह काफी खूबसूरत थी। आसपास का जंगल घने रही तथा तोश के पेड़ों का था। ये मई का महीना है और अब जंगल में घास तेजी से बढ़ना शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे घास और पेड़ों में नई पत्तियां बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ट्रैगोपैन को देखना मुश्किल होता जाएगा। घना जंगल ट्रैगोपैन के छिपने में मददगार होता है। जंगल में मैंने देखा कि हम मनुष्यों की मौजूदगी भांपते ही जंगली जानवर डरकर भाग खड़े होते हैं और उस इलाके में काफी समय तक वापस नहीं आते। इस वजह से मुझे ट्रैगोपैन के नजदीक पहुंचने और उसे फिल्माने में काफी मुश्किल हुई। हमारी जरा सी भनक होने पर ये तुरंत भाग जाते और फिर उस इलाके में लौट कर नहीं आते थे। ये सिर्फ ट्रैगोपैन की ही बात नहीं थी, हर एक जानवर और पक्षी इसी तरह से जंगल में डरा हुआ था। इसकी वजह शायद हमारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। हम जब भी जंगल में गुजरते हुए किसी जीव या पक्षी को देखते हैं तो उसे भगाने का प्रयास करते हैं या फिर मारने का, जो बेहद ही दुखद है। इससे जंगली जानवरों का व्यवहार इंसानों को लेकर काफ़ी रक्षात्मक हो गया है, इसलिए जब भी वे हमें जंगल में देखते हैं तो डर कर भाग खड़े होते हैं। हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। हमें चाहिए कि जब भी हम जंगल में किसी जानवर या पक्षी को देखें तो उसे परेशान ना करें, उन्हें शांत रहकर देखें या पीछे हट जाएं और उन्हें वहां से गुजरने दें।
मैंने ट्रैगोपैन को फिल्माने के लिए एक कैमोफ्लाज टेंट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके लिए मैंने ट्रैगोपैन के उस संभावित क्षेत्र को चुना जहां मैं इसे पहले भी देख चुका था। ये एक समतल जगह थी जहां से सामने देखने पर बाकी के जंगल के मुकाबले कम झाड़ियां थी। एक ऐसी जगह जहां मैं ट्रैगोपैन की कुछ साफ तस्वीरें रिकॉर्ड कर सकता था। क्योंकि ये ट्रैगोपैन का ब्रीडिंग सीजन था तो मैंने लेट मॉर्निंग में भी कोशिश करना सही समझा जब अच्छी धूप आ चुकी थी। मैं अब एक क्लोज साइटिंग की उम्मीद कर रहा था। इसमें मुझे काफी समय तक इंतजार करना पड़ा। कई घंटों के इंतजार के बाद मुझे ट्रैगोपैन की साइटिंग हुई। शुरुआत में ये थोड़ा अनकंफर्टेबल था, लेकिन धीरे धीरे कुछ और समय बिताने के बाद मुझे इसके कुछ नज़दीकी शॉट मिले। मेरे लिए ये काफी रोमांचकारी था। मैं काफी देर तक इसे बिना कैमरे के देखता रहा। जंगल में इसकी मौजूदगी किसी हीरे जैसी थी जिसकी चमक मानो सारे जंगल में बिखर रही हो। मैं उम्मीद कर रहा था वेस्टर्न ट्रैगोपैन की आबादी इसी तरह से ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के जंगलों में फलती फूलती रहे। हमारे जंगल और जीव हम मनुष्यों की दिन प्रतिदिन बढ़ रही जरूरतों की वजह से अत्यधिक दबाव झेल रहे हैं, जिससे अब जंगलों का अस्तित्व खतरे में आता जा रहा है। यदि हम अभी से इन्हें बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते तो शायद जल्द ही हम सब कुछ खो देंगे। हमें अपने जंगलों और जीव जंतुओं के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है। हमें समझना होगा जीवों और पक्षियों को भी इसी पृथ्वी पर रहना है। हमें इन्हें स्पेस देना होगा और जागरूक होकर जंगलों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाने से बचना होगा। यह हमारे और प्रकृति दोनों के हित में है।